हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियों को ऐतिहासिक ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान में हजारों लोगों ने नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर और पूर्व बागवानी मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर सहित दर्जनों कांग्रेस के पदाधिकारियों व आम जनता ने अपने चहेते नेता को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश की जनता के मसीहा वीरभद्र सिंह की अस्थियों को ऐतिहासिक ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान में हजारों लोगों ने नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर और पूर्व बागवानी मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर, नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत सहित दर्जनों कांग्रेस के पदाधिकारियों और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं आम जनता ने अपने चहेते नेता को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सर्वधर्म सभा में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए पाठ किए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 6 बार प्रदेश का नेतृत्व किया और 4 बार सांसद बने। उन्होंने कहा कि आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह ने कुल्लू जिला के विकास के लिए सैकड़ों समृद्धियां उपलब्ध कराई है, जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व पेयजल योजनाओं से जो विकास कुल्लू जिला में किया है, उनके इस बेहतर योगदान के लिए कुल्लू जिला में लोग पार्टी से ऊपर उठकर श्रद्धांजलि कर रहे हैं। विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कल व्यास नदी पार्वती नदी के संगम स्थल पर अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा। देव संस्कृति को यहाँ पे जो है राजा साहब ने देव सदन बनाया, जो यहाँ पे कारदारों को मान सम्मान दिया और उन्होंने विकास गाथा जो लिखी है। इस ढालपुर में अनेकों चीजें हैं, बेशक इस अस्पताल का विस्तारीकरण है, यहाँ पे ये अटल सदन है, जहाँ तक हमारी ये जो पानी की इतनी बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं, कुल्लू का कॉलेज है और यहाँ पे ये स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स है, ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, कितनी यादें हैं, बिजली महादेव तक की सड़क है, आज पीज खराड़ की सड़क है, हमारे सारी की सड़क है मणिकर्ण घाटी में। तो जहाँ तक विकास की बात है, ये तुम्हारे लिए उसमें तो उन्होंने देश और प्रदेश हमारे जो है हमारे यहाँ के रीति रिवाज को जिंदा रखते हुए देवी देवी देवताओं के जो संसार के लिए एक यहाँ पे कल्चर को जिंदा रखते हुए आधुनिक हिमाचल का निर्माण किया, जिसमें कि पर्यटन को बहुत बड़ा, जब वो मुख्यमंत्री थे 80 के दशक में, वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यटन को सब्सिडी देकर होटल बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। आज पर्यटन इतना बढ़ गया है, हम कभी सोच भी नहीं पाते थे, जब 85 के बाद, जब वो 85 के 80 के दशक में मुख्यमंत्री थे, इतना पर्यटन आया। और आज भी उस वक्त के जो एक नींव रखी गई है, आज हम उसका। इस दौरान पूर्व बागवानी मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास के मसीहा वीरभद्र सिंह एक युग पुरुष थे। उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित किया और देश भर के राज्यों में हिमाचल को अग्रणी राज्य बनाया। हिमाचल प्रदेश के विकास के मसीहा राजा वीरभद्र सिंह जी एक युग पुरुष थे। उन्होंने हिमाचल के विकास को अपना जीवन समर्पित किया और हिमाचल को एक विकास में सारे देश का अग्रणी राज्य बनाया। और दुनिया के दूसरे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे जो पहाड़ी देश हैं या प्रदेश हैं, उनमें से भी हिमाचल को अग्रणी बनाया। और वो सब लोग राजा वीरभद्र सिंह जी की तारीफ़ करते थे कि जो मॉडल पहाड़ों का हिमाचल प्रदेश में बना वो अद्वितीय है और उसकी नकल सभी को करनी चाहिए। यहाँ की सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा और उसके बाद फल राज्य, फिर लोगों की आमदनी के ज़रिए बढ़ाने के लिए यहाँ की धर्म संस्कृति और उसके साथ साथ यहाँ का जो पहरावा है, हिमाचली कैप है, कुल्लू की शालें, किन्नौरी शालें हैं, उन सब को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने हिमाचल को एक समान देखा। जहाँ तक कुल्लू का सवाल है, कुल्लू के प्रति भी उनकी विशेष लगन थी और वही वजह कि इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ
अटल सदन उनकी देन है, और उसके बाद यहाँ जो देव सदन है वो भी उनकी देन है। इसके अलावा देव संस्कृति के लिए उनका जो बहुमूल्य योगदान है वो युगों युगों तक याद रहेगा। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।